प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारे Facebook पे डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं 18 अक्टूबर की रात को 12 बजे के बाद ब्रह्मांड में एक ऐसा योग बन रहा है कि कभी कभी यह योग बनता है, रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केसों में यह योग बनता है, क्योंकि सारे ग्रह राक्षस और देवता ग्रह सम सप्तक योग के अंदर है, बहुत कम बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर शनि और शुक्र आमने सामने हैं, केतु मंगल सूर्य नीच का और बुध और गुरु और राहु आमने सामने हैं, और चंद्रमा तो सवा दो दिन में बदल जाता है। तो ये समसप्तक योग सारे ग्रह चार राशियों में हैं और आमने सामने हैं। वैसे तो ये केदार योग भी बनता है, लेकिन इसको मैं डबल समसप्तक योग की संज्ञा दूंगा। ये इतने सालों बाद बना है, जबरदस्त। इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका अच्छा परिणाम क्या होगा, 12 की 12 राशियों का फलादेश आपको बताऊंगा, उसकी पूरी की पूरी आपको भविष्यवाणी करूंगा। इससे पहले जितनी भी भविष्यवाणी की वो सब ठीक हुई। कितना भयंकर युद्ध चल रहा है इजराइल का और हमास का, कितने लोग मारे जा रहे हैं। किसी ने कल्पना करी थी कि अचानक इतने लोगों पर हमला होगा, लेकिन ग्रह बदला और विस्फोट चालू हो गए, त्राय त्राय हो गई, और ये ग्रह बड़े खतरनाक हैं। अब मैं जानकारी देता हूं 12 की 12 राशियों का। पूरा वीडियो सुनना, ध्यान के साथ सुनना और उपाय करना। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को रिकमेंड भी करिए और Facebook पेज को फॉलो करिए, जिससे कि आपको नई जानकारियां मिल सके। शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। मेष राशि की बात करूं तो आपकी राशि का स्वामी मंगल अपने ही घर को देख रहा है, अस्त है लेकिन अपने घर को देख रहा है। जो ग्रह अपने घर को देखता है वो उस घर की वृद्धि करता है। आपकी मेष राशि में जरूर युद्ध हो रहा है, लेकिन आपका तो बचाव होगा। आप अपने घर को देख रहे हैं, थोड़ा बचाव तो करेंगे, लेकिन आपकी राशि का स्वामी ना अस्त भी है, केतु के साथ है, सूर्य के साथ है, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मोर्टार्स का गोला आपके ऊपर गिर जाए। इसलिए अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इजराइल में हैं कहीं, या आप यूक्रेन में, रसिया में, सावधानी बरतिएगा। इंडिया के अंदर आपको अपनी कार वगैरह बहुत सावधानी के साथ चलानी है। तो यहाँ पर राजयोग भी हैं, इसलिए आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको राक्षस और देवता ग्रह दोनों ही धन देने वाले हैं। वृष राशि की बात करेंगे। राशि का स्वामी शुक्र चौथे भाव में है, भाग्य कैरियर का स्वामी शनि दोनों समसप्तक योग के अंदर हैं, तो आपको दोनों राक्षस ग्रह पैसा दे रहे हैं, वो वरदान दे रहे हैं आपको, धन का आशीर्वाद। अब कुछ लोग तर्क करेंगे, गुरुजी पिछले एपिसोडों में आपने बोला था इन राशियों पर, मेष राशि में बड़ी तकलीफ है। तकलीफ तो अभी भी है, आपके सिर पर आग का गोला तो है, लेकिन ये थोड़ी का आपका पैसा कमाने का सोर्स खत्म हो जाएगा। पैसा तो आएगा आपके पास, पैसा आ रहा है आपके पास, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन जान को खतरा हो सकता है, इसका ध्यान रखें। इसलिए ये ग्रह ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखिए। यहां पर मंगल आपका अस्त है, कमजोर अवस्था में, आपकी आयु के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अपने घर को देख रहा है तो पैसा दे देगा वो आपको, उसकी क्यों चिंता करते हो आप, वो तो देगा आपको। ऐसे ही वृष राशि है। मिथुन राशि की बात करूंगा, गोल गोल है सब कुछ मिथुन राशि वालों के लिए, बाकी सब सुख मिलेंगे आपको।
पर यहाँ पर देवता और राक्षस ग्रह सब दूसरे दूसरों को पैसा दे रहे हैं। आपके बेटे को पैसा मिलेगा, पिता को मिलेगा, बड़े भाई को मिलेगा, छोटे भाई को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मिथुन राशि वालों को एक पन्ना पहन के रखना चाहिए और साथ में एक पुखराज भी पहनना चाहिए। दोनों सम सप्तक योग के अंदर हैं, राजयोग बना के बैठे हैं। कुछ करोगे तो आपके लिए मिलेगा। कर्क राशि के अंदर भी सारे ग्रह, छह ग्रह आमने सामने हैं। आयु वृद्धि हो रही है, बचाव हो रहा है, टेंशन्स लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि का स्वामी नीच है, तीसरे भाव के अंदर नीच हुआ, लेकिन वहाँ बलवान होता है, वहाँ मंगल आस्त है वो भी बलवान होता है, वहाँ केतु बैठा है वो भी बलवान होता है, लेकिन तीसरा स्थान पराक्रम का है, इसलिए मेडल उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर तीसरे भाव के अंदर तीन क्रूर ग्रह अग्निकारक ग्रहों का बैठना साहस को बढ़ा देगा, और जिसका साहस बढ़ जाएगा उसको कामयाबी का योग जरूर मिलेगा। लेकिन सिंह राशि के अंदर शुक्र बैठा हुआ है कर्म का स्वामी होकर के, सप्तमेश के सामने केंद्र त्रिकोण बना के बैठा हुआ है, राजयोग बना के बैठा, अच्छा योग है, पैसा आपको मिलेगा, देवता राक्षस दोनों ही आपको देने वाले हैं, आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, धन के घर में बैठा है, बुध आदित्य राजयोग बना करके, अंधा है, अस्त है, केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, फ्लक्चुएशन है, पार्श्विक योग दरिद्र योग बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे दरिद्र योग क्यों बना हुआ है? दरिद्र योग इसलिए बना हुआ है कि धन का स्वामी शुक्र बारहवें भाव में और बारहवें भाव का स्वामी धन भाव में बैठा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि का स्वामी लाभ के घर में बैठा हुआ है और सामने बैठा है शनि। दिमाग और बुद्धि से विदेशों से पैसा कमाने का योग आपका जबरदस्त बनता है, और तुला राशि के अंदर तो तीन विस्फोटक ग्रह बैठे हुए हैं, तो तुला राशि वालों को बड़ा सावधान रहना होगा। आपको चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इन सबसे खतरा तो है, नुकसान तो है, लेकिन पैसा भी आएगा। हमें तो पैसे से मतलब है, पैसा आना चाहिए, लेकिन सावधानी भी बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि को भी यहाँ पर राक्षस ग्रहों से फल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि शनि यहाँ पर राजयोग बना के बैठा है, सस नाम का राजयोग, और शुक्र सामने बैठा है, केंद्र त्रिकोण बना हुआ है, तो एक अच्छा योग है। लेकिन बारहवें भाव में आपकी आंख पर ग्रह बैठे, आपकी आंख का ऑपरेशन होना, आंख फूटना, आंख में चोट लगना, आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने का योग बनता है, बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए मैं दोनों पक्ष बता रहा हूँ आपको, धन का पक्ष भी आपको बता रहा हूँ और साथ में आपको चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का पक्ष भी मैं आपको बता रहा हूँ। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, एक अच्छा योग है। मंगल अपने घर को देख रहा है, एक अच्छा योग है, एक लाभदायक योग है, पॉजिटिव योग है, तो एक शानदार योग बनता है। यहाँ पर पुखराज पहन के रखिएगा, आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। और शनि तीसरे भाव में अच्छा फल करता है, पराक्रम में वृद्धि होगी, युद्ध में विजय प्राप्त होने के योग आपके बनते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव यहाँ पर बना हुआ है। मकर की भी बात कर लेते हैं। मकर में सारे देवता और राक्षस मिलकर के पैसा देंगे आपको, क्योंकि मकर का स्वामी शनि स्वयं राक्षस है और यहाँ पर योग कारक प्लैनेट और नॉन योग कारक प्लैनेटों का कम्बिनेशन, छह ग्रहों का समसप्तक योग है और धनभाव पर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, एक अच्छा योग बनेगा आपका। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि राजयोग है, योग कारक प्लैनेट आपका राजयोग कारक प्लैनेट शुक्र सामने है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत ही शानदार। कुंभ राशि वालों आपको राक्षस ग्रह भी धन का वरदान दे रहे हैं, आपको लाभ निश्चित तौर पर यहाँ पर मिलेगा और शाम में छह ग्रहों का समसप्तक योग भी आपको भाग्य वृद्धि का योग यहाँ पर बनाएगा। मीन राशि फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव, धन का जो रिकवरी फेज है, रिकवरी जो टाइमिंग्स हैं वो कम हो रहे हैं। पुखराज पहन लीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पापकर्तरी योग बन रहा है, आपकी राशि में पापकर्तरी योग बन रहा है
और अष्टम भाव में बहुत बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो बड़ी सावधानी आपको बरतने की जरूरत होगी। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का फलादेश, जिसमें सिर्फ 4 राशि ऐसी हैं जिनमें दरिद्र योग और फ्लक्चुएशन बन रहा है, और वो हैं 3, 6, 9, 12, यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे ही नई नई जानकारी और आपको दूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। मैं आपको अपना दिल्ली का एड्रेस दे देता हूँ, लेकिन आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार, और ये रहा मेरा दिल्ली का पता, संपर्क कर लीजिए। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, 39 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811414156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820111429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811414156। धन्यवाद।